किसने भेजा तुझे? वो मैं और जवाब दे। हेलो थपकी, तुम्हें मेरी आवाज आ रही है? थपकी, तुम्हें सुनाई पड़ रहा है मैं क्या कह रहा हूँ? इतने सिग्नल का प्रॉब्लम है, मुझे तो सुनाई पड़ रहा है लेकिन शायद थपकी को मेरी आवाज नहीं आ रही। क्या पूछा मैंने? जवाब दे। सवाल नहीं है मुंह में। मैं किसने भेजा तुझे? जवाब दो। क्या छुपा रही है? देखा क्या छुपा रही है इसमें? देखा क्या छुपा रही है? कैमरा मेरी रिकॉर्डिंग करने आई है तू, ताकि बाहर जाके सबको बता सके कि मैं क्या करता हूं अंदर। किसने भेजा तुझे? किसने भेजा बता। चल अब मैं तेरी रिकॉर्डिंग करता हूं। विवेक तुम लोग ऑफिस पहुंचो, मैं थपकी को लेकर रिकॉर्डिंग। अरे खा खा के दोनों मुस्टंडे हो रहे हो, इसी दिन का ही पा लिया तुम दोनों को। ए लड़की दरवाजा खोल वरना जान से मार दूंगा, तोड़ दो। बेटा तू डरना नहीं। हाँ देख बेटा, तूने ही दरवाजा बंद किया है ना बेटा, तू खोलने की कोशिश कर बेटा। नहीं बेटा, तू चिंता मत कर, तू जरा रुक, मैं कुछ ना कुछ करता हूँ बेटा, तू रुक। थपकी हाथ दे बेटा, आजा आजा, शाबाश। हाँ तो बाबा, अगर मैं नहीं आता तो कोई और आता। जिन लोगों के मन सच्चे होते हैं ना, उनकी मदद के लिए कोई ना कोई हाथ जरूर आ गया। कोई उनकी आवाज सुनता है तो कोई उन्हें आवाज देता है बेटा। थपकी घबराओ, मैं हूं ना, हाथ दो। थपकी हाथ दो, ये लीजिए। थपकी ये सब छोड़ो, हाथ दो पहले। नहीं पहुंच रहा।
वो देखिए, लगता है वो खिड़की के रास्ते से भाग गई है। तो खड़े खड़े मेरा मुंह क्या देख रहे हो? ढूंढो उसे, छोड़ो उसे, बचनी चाहिए वो। किधर गए ये लोग? लगता उधर गए होंगे। चलो आओ। थपकी, चले गए वो लोग। अब वो हमें पकड़ नहीं पाएंगे और कुछ ही दूर जाके हमें टैक्सी मिल जाएगी, फिर हम वहां से ऑफिस चले जाएंगे। घबराओ मत, मैं हूं ना तुम्हारे साथ, कुछ नहीं होने दूंगा। पानी पी लो। पानी नहीं सर, खाना। तुम दो मिनट यहां बैठो, मैं भी आता। भैया दो समोसे दीजिए ना और एक चाय। समोसा, समोसा खा लो, तुम्हारी इच्छा बंद हो जाएगी। तुम बहुत बात हो, बहुत स्ट्रॉन्ग हो तुम। सलाखी किरणों को रोके, जो सलाखे हैं कहाँ, जो ख्यालों पे पहरे डाले वो आंखें हैं कहाँ, पर खुलने की देरी है, परिंदे उड़के चुमेंगे आसमां आसमां आसमां। समोसा। सलाखी किरणों को रोके, जो सलाखे हैं कहाँ, जो
क्या पता। ध्रुव का फोन क्यों नहीं लग रहा, कहाँ रह गया ये? मैम। हाँ? सर आ गए। ध्रुव कहाँ रह गए थे तुम और इतनी देर कहाँ हो गई? उससे बाद में। विवेक जल्दी से खुलासा के लिए एडिटिंग शुरू करो। तब तुम भी चेंज करो। तूने खुलासा किया वो भी अकेले? डर नहीं लगा तुझे? हाँ माँ लगा तो था, पर ध्रुव सर ने ना पूरा साथ दिया, उनके बिना तो मैं कुछ नहीं कर पाती। अच्छा माँ अभी ना थोड़ी देर में खुलासा आने वाला होगा टीवी पर, आप जरूर देखना। हाँ मैं अभी जाकर टीवी चला लेती हूँ, मेरी बेटी ने इतना बड़ा काम किया है, सबसे पहले तो मैं ही देखूंगी। तू जब घर पे आएंगे ना तो तेरे पापा से बात करेंगे, सबसे ज्यादा खुश तो वही होंगे तेरी इस बहादुरी से। हाँ माँ पापा को तो मैं खुद ही। माँ मैं रखती हूँ, आपसे घर आकर बात करती हूँ, ठीक है? हाँ हाँ बाय। ध्रुव सर तो खुलासा चेक करने में बिजी होंगे, कोई अर्जेंट फोन हुआ तो मैं ही देख लेती हूँ। हेलो। हेलो ध्रुव है? जी वो एक जरूरी काम में बिजी है। इतनी सी बात कहने के लिए इतना समय लगाती हो, बिना अटके नहीं बोल सकती हो क्या तुम? सॉरी आप कौन बोल रहे हैं? अब तुम मेरा इंटरव्यू लोगी? काम करो अपना। पता नहीं कौन थी पर टीम बहुत गुस्से वाली थी। बड़ी सासू में अच्छाई रखो। क्या हुआ बड़ी सासू माँ? मेरा मतलब ये था कि ऐसा कौन सा इंसान था फोन पे जिसने आपको इतना गुस्सा दिला दिया? रुक रुक कर बात करने वाले लोग मैले दिल के बुरे लोग होते हैं, ऐसे लोग मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है। पता नहीं ध्रुव भी कैसे कैसे लोगों को नौकरी पर रख लेता है। खड़े खड़े क्या कर रही हो तुम? जाओ जाके मेरे फोन का चार्जर लेकर आओ। हाँ एक ये लड़की है, इसके चेहरे से ही पता लगता है कि इसका मन कितना साफ है। मैं क्यों अपना मूड खराब करूं? थोड़ी देर में खुलासा होने वाला है और मुझे एक सेकंड भी मिस नहीं करना। एक तो ध्रुव सर का शो, ऊपर से मैंने भी उनके साथ काम किया। कांग्रेट्स सर, इम्पॉसिबल को पॉसिबल कर दिया आपने, इतना मुश्किल काम वो भी साक्षी मैम के बिना। सर अब तो हर तरफ इसी खुलासे के चर्चे हो रहे होंगे। अब घनश्याम लाल की मिठाई नाले में और घनश्याम लाल जेल में। अपने चैनल के लिए एक बहुत बड़ी कामयाबी है ध्रुव, मुबारक हो। थैंक यू। आज का एक खतरनाक और मुश्किल खुलासा हो पाया आप सबके साथ की वजह से, थैंक यू वेरी मच। पर सबसे बड़ा और सबसे पहला क्रेडिट उसको जाता है जिसके बिना ये खुलासा हो ही नहीं सकता था। जिसने अपने जान की भी परवाह ना करके खुलासे की रिकॉर्डिंग को बचाया, हम सबसे ज्यादा खतरा मोल लिया है और वो है थपकी। मैं और ये न्यूज चैनल
सबकी की इस कमिटमेंट और बहादुरी को हमेशा याद रखेगा। सर आप ही तो हमेशा कहते हैं ना कि डर का सामना करने से डर हार जाता है और हम जीत जाते हैं। खुश होना था कि ध्रुव ने तुम्हें साथ में आसमान पर बिठा दिया, पर तुम्हें नहीं पता कि मुझे मेरे नीचे काम करने वाले आसमान पे नहीं नीचे ही अच्छे लगते। आपकी तुमने बहुत अच्छा काम किया, मुबारक हो। थैंक यू मैम। वैसे अगर तुमने आज मुझे घनश्याम लाल की दुकान के बाहर जानबूझकर धक्का ना दिया होता ना, तो शायद ये खुलासा मैंने किया होता। वैसे अगर तुमने आज मुझे घनश्याम लाल की दुकान के बाहर जानबूझकर धक्का ना दिया होता ना, तो शायद ये खुलासा मैंने किया होता। क्या कह रही हो ये साक्षी? सही कह रही हूँ मैं ध्रुव। जब मैं दुकान के अंदर जा रही थी तो इसने मुझे आकर धक्का दिया। अब समझ में आ रहा है इसने ऐसा क्यों किया। कम समय में इतनी बड़ी कामयाबी पाने का इससे अच्छा और छोटा रास्ता हो भी क्या सकता है? उस वक्त मैं सिर्फ इसलिए कुछ नहीं बोली क्योंकि मुझे अपने नाम से ज्यादा खुलासा जरूरी था। मैम आप ये सब क्या बोल रहे हैं? तो क्या साक्षी मैं झूठ बोल रही हैं? मैंने कब आपको धक्का दिया? सर इसका मतलब तबकी ने जानबूझ कर ये चाल चली, वरना हमेशा की तरह ये खुलासा भी साक्षी मैम ही करती। तबकी बहुत गलत किया था, अभी के अभी साक्षी मैम से माफी मांगो। माफी? पर मैंने तो कुछ नहीं किया। एक के बाद एक गलतियां करती जा रही हो तुम। पहले वो चिप खराब की और अब ये। कम से कम एक सॉरी तो बोल ही सकती है ना ये ध्रुव। सर सर मैं सच कह रही हूँ, मैंने ऐसा कुछ नहीं किया। अपने नाम के लिए सबको धोखा देना बहुत बड़ी गलती होगी, और इसके लिए अगर तुम 100 बार भी सॉरी बोलो तो बहुत कम। तुम्हें तो बोर्ड पर लिखना चाहिए सॉरी, एक बार नहीं 100 बार, ताकि सब लोग देखें और आगे से कोई गलती ना करें। मैंने कोई गलती नहीं की है। मैं माफी नहीं मांगूंगी। तबकी तुमने खुलासा करके बहुत हिम्मत का काम किया, लेकिन उससे पहले जो तुमने किया वो बहुत गलत किया। अगर तुम्हें ऐसे ही छोड़ दिया गया तो सारे इंटर्न्स में गलत मैसेज जाएगा, इसलिए तुम्हें ऑफिस बोर्ड पर सॉरी लिखना होगा, वो भी 100 बार। सर मेरे पापा ने मुझे सिखाया कि अगर गलती करो तो उस गलती की माफी मांग लो, पर अगर गलती नहीं की हो तो कभी उस इल्जाम के आगे मत झुको। मैं ये नहीं जानती कि साक्षी मैं ऐसा क्यों कह रही हूँ, शायद इन्हें कोई गलत फहमी हुई है, पर इनकी गलत फहमी मेरी गलती कैसे बन सकती है? सर तो तुम अपनी गलती नहीं मानोगे, आखिरी मौका है तुम्हारे पास था। ठीक है तब तुम्हें खुद तय करना है, या तो तुम उस बोर्ड पर 100 बार सॉरी लिखोगी या कल से ऑफिस मत आना।